द फॉलोइंग आर अनस्टेबल अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आप इसका आंसर जानते हैं। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से सीख लिया, तो निश्चित तौर पे आप आ सकते। इसमें एक ऑप्शन है Fe3। क्या ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है? ओके। Cu2 ओके। Pb4 वेरी गुड ओके। उसके बाद PbCu और आपका Bi5 ओके। तो बेटा मेरे कुछ क्वेश्चन का जवाब आपके पास है और आप उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि बेटा आयरन में +3 और +2 में +2 ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब यह है कि रूम टेम्परेचर पे स्टेबल करना मुश्किल है, क्योंकि आयोडाइड तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। Cu+2 में और Cu+1 में Cu+1 ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यह भी आयोडाइड इसको भी रिड्यूस कर देगा। ये तो आप पहले से ही जानते हैं भाई कि Pb2+I2 तो ये +4+2 से ज्यादा स्टेबल है, इसको चेंज कर देगा। और यदि मैं आपसे पूछूं Bi+3 से कम स्टेबल है, इसको भी कर देगा +iodine। तो इसके बाद हम एक और ले लें TLi3, तो यहां बनेगा TLi+I2, तो ये भी, तो इसका मतलब ये ना ये 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 पांचों के पांचों ही रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल हैं। और आपको खुशी हो रही होगी क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी या तो आपने किए होंगे और आपसे नहीं हुए होंगे, और यदि हुए होंगे तो आपने रटे हुए होंगे, तो आप इन क्वेश्चन को अब आप बहुत आसानी से इनर्ट पेरिफेक्ट की वजह से ही आप सॉल्व कर देते हैं। ओके ठीक है। तो मैंने यहाँ इनर्ट पेरिफेक्ट का इस्तेमाल किया, मेनली तो इनर्ट पेरिफेक्ट का इस्तेमाल किया, और कुछ जगह बेटा मैंने हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है बेटा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ तो इनर्ट पेरिफेक्ट नहीं था, लेकिन बेटा ये हमारी जो आयनिक स्टेट है, जैसे यहाँ Fe की +3 है वो +3 है और यहाँ +2 उससे ज़्यादा स्टेबल है, ये पूछे मैंने अभी आपके एक लेक्चर में मैंने बताए हैं। शायद वो ट्रांजिशन भी मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की, तो वो शायद एक दो कुछ टाइम में हम अपलोड करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के ऊपर। तो वहाँ बेटा आयन की स्टेबिलिटी की बात मैंने की है, तो क्यों ज़्यादा कौन स्टेबल है उसके ऊपर चर्चा की है, तो मैं बता दिया, तो उसके बेसिस पे इसको। तो फिलहाल बेटा मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप कुछ दिन वेट करिए, हमारी 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर हम लोग उस वीडियो को अपलोड कर देंगे, तो आप उसको भी आप देख सकते हैं। तो अभी क्योंकि मैं फोकस करना चाहता हूं इनर्ट पेरिफेक्ट पे और सिखाना भी वही चाहता हूं, तो मैं चाहता नहीं कि आप लोग इधर उधर डाइवर्ट हो। ओके